सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तब मैं निवेदन कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्री रणवीर केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त वर्तमान में श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के डायरेक्टर परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय गुरु जी डॉक्टर विष्णुमूर्ति शास्त्री जी से कि आज यज्ञ के विषय में बतलाते हुए बसांतिक पंचम रात्रि शुभ अवसर पर स्कंद माता के स्वरूप का महत्व बतलाने की कृपा करें परम श्रद्धा परम आदरणीय गुरु जी। आरुह्य श्वेत हंसेर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्यं वरकणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ति निजकरकमलै शास्त्रविज्ञानशब्दै क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। सम्माननीय यहाँ के प्रशासक और यज्ञ के प्रधान यजमान श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, सभी विद्वज्जन, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज पंचम नवरात्र के अवसर पर इस सिद्धपीठ पर वैष्णवी माता के दरबार में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। जैसे कि शास्त्री जी ने अभी कहा है, यज्ञ के विषय में यह वास्तविकता है कि हर नवरात्र में यहां पर यज्ञ होता है और यज्ञ के द्वारा पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, परस्पर सौहार्द के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ होता क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा स्वरूप जानना आवश्यक है। हमारे एक व्याकरण के अनुसार यज्ञ धातु है जिसका अर्थ है देव पूजा संगति करना और दान, देवता की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना और संगति करना, अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे महात्माओं की, अच्छे अच्छे साधु संतों की, प्रवचनकारियों की, उनकी संगति करना और उनके प्रवचन सुनना और दान देना, ये यज्ञ के विशेष बातें कही गई हैं। यज्ञ का लक्षण कहा है कि देवानाम यज्ञ हविष्याम ऋक्साम जयुषाम तथा ऋतुयाम दक्षिणानांच संयोगो यज्ञोच्यते। यह देवानाम और देवताओं का, और जहां पर देवताओं के निमित्त दी जाने वाली जो आहुतियां हैं उस चरु का, और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेदादियों का, इनके पाठों का, और जो ऋत्विज हैं यज्ञ करने वाले हैं और यज्ञ करवाने वाले हैं, और इनका जो संयोग जो है उसको यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ प्रादुर्भाव का कारण है। यज्ञ सर्वस्य जीवनम, यज्ञ ही सब प्रकार का जीवन है, सबका जीवन है। हमारे पहले समझ में सबसे बड़ा कार्य यज्ञ ही होता था और उस यज्ञ के आधार पर ही
हमारा सारा का सारा तंत्र कार्य चलता था। यज्ञोवि श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ काम कहा गया है। यज्ञोवि भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है उसको पूरे ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की नाभि कहा है। क्यों कहा इसको नाभि? क्योंकि इससे ये आप जान सकते हैं कि जब मनुष्य की नाभि विकृत होती है, नाभि में विकार आ जाता है, तो सारा शरीर जो है वो बीमार पड़ जाता है। और इसीलिए यज्ञ को नाभि कहा। और यज्ञ में कोई किसी प्रकार का विकार हुआ, यज्ञ में यदि असावधानता हुई, यज्ञ यदि गलत हुआ, यज्ञ में यदि गलत मंत्रों का प्रयोग हुआ, यज्ञ में यदि गलत जप और पूजा पाठादियों का प्रयोग हुआ, तो वो पूरे विश्व के लिए अव्यवस्थित होता है। इसलिए यज्ञ के लिए सावधानी बरतना जो है ये बहुत जरूरी है। हमारे कहा है कि मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमा सभाग वज्रो यजमानम ही नस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मंत्र जो है ये स्वर से ही नहीं होना चाहिए, वर्ण से ही नहीं होना चाहिए, कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए मंत्र में। मिथ्या पर झूठा मूठा मंत्र बोल करके नहीं बतलाना चाहिए। अर्थ के बिना जो मंत्र का जप किया जाता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो इस प्रकार की वाणी वो वज्र हो जाती है। और जतेंद्र शत्रु स्वर तो बरा था, जिस प्रकार इंद्र का शत्रु एक वृत्रासुर जो था एक स्वर के अपराध से मारा गया था। ये कहानी है, मैं कहानी को नहीं बतलाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। कि वहां पर केवल इतनी बात थी कि भाई यज्ञ के लिए उसने कई बार प्रयास किया कि मैं इंद्र का पद जो है प्राप्त कर लूं, लेकिन जब उसके पर आक्रमण करता था तो वृत्रासुर जो था वो मारा जाता था या हार जाता था। उसके बाद फिर क्या किया, अभी उन्होंने कहा इंद्र का पद तो इंद्र की गद्दी जो है वो हमने प्राप्त तो जरूर करनी है। उसने फिर जब यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाने पर उसके मंत्र जो था, मंत्र में यह था कि इंद्र शत्रु बधस्व, इंद्र है, इंद्र है शत्रु यस्य एवं विधानतम शत्रु बधस्व मारय, इंद्र है शत्रु जिसका इस प्रकार के ऐसे शत्रु को मारो, ये देवताओं के आगे प्रार्थना थी। लेकिन होता क्या गया कि धा के ऊपर रा बन गया, सर्गों का रा बना करके इंद्र शत्रु बर्धस्व बन गया। तो इंद्र शत्रु बर्धस्व का जो जप हो रहा था तो इंद्र शत्रु यस्य एवं विधानतम शत्रु बर्धस्व वृद्धि प्राप्य, मतलब इंद्र जिसका शत्रु है उसके ताकत को और ज्यादा बढ़ा दो। फिर दोबारा उसने आक्रमण किया और स्वयं मारा गया एक अक्षर के गलत होने से, उधर बधस्व था उधर बर्धस्व था। इसलिए उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है कि हम ठीक प्रकार से व्यवस्थित होकर के आगे चलें। उसके साथ यज्ञ जो है, यज्ञ की कई तरह की बातें वहां पर शास्त्र में सामने आती हैं। एक तो बात यह है कि जब यज्ञ जो है अग्नौ प्रास्ता होती ही सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, अग्नि में दी हुई आहुति जो है वो सीधी की सीधी और सूर्य के पास चली जाती है। आदित्या जायते वृष्टि, आदित्य से बारिश होती है और वृष्टि रन्नम, बारिश से अन्न होता है और अन्न से फिर प्रया होती है। इसलिए उद्भव का कारण, उत्पत्ति का कारण यज्ञ कहा गया है। उसके बाद हमारे ये कहा कि अक्षर ब्रह्म से वेद, अक्षर ब्रह्म जो है उससे वेद की उत्पत्ति हुई, वेद हुए और वेदों ने कर्म करने के लिए इजाजत दी। और कर्म क्या है, यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यज्ञ से फिर वृष्टि और वृष्टि से अन्न और अन्न से फिर प्रया, ये ऐसा हुआ। हम यज्ञ में विविध प्रकार के कुछ प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों को बहुत से लोग, प्रयोग करने वाले भी कुछ लोग जो है वो नहीं जानते या प्रयोग जो कर रहे हैं वो नहीं जानते। उसमें कुछ प्रमुख रूप से कुछ बातें होती हैं, उन बातों का ध्यान मैं आपकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो हम वहां पर गणेश पूजन करते हैं, उसके विषय में मैंने कल संक्षिप्त रूप से कह दिया था। उसके बाद वहां पर षोडश मातृकाओं का पूजन होता है और गौरी पद्मा शची मेधा, इस प्रकार की षोडश मातृकाएं। ये षोडश मातृकाएं क्या है? ये षोडश मातृकाएं जो है जितने स्वर हैं, अ आ ई ई उ री री, इस प्रकार के जितने ये 16 स्वर हैं, ये 16 स्वर उनके स्थान पर हम इसकी पूजा करते हैं गौरी आदि षोडश मातृकाओं की। क्योंकि ये स्वर नहीं होंगे, और जब हम ये सप्त मातृकाओं का पूजन करते हैं तो क च ट त प य और ष, ये पहले पहले अक्षर जो है ये सारे वर्णमाला के हैं, तो 7 ये हैं। तो सप्त मातृकाओं की पूजा,
पूजा इसलिए है कि इद मंदतम कृष्ण जायेत भवन त्रयम यदि शब्दा भजम ज्योति आ संसार आर न दीपते। ये शब्द नहीं होगा, अक्षर नहीं होगा, तो मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा और आपकी बातों आपकी बातें जो है मेरे तक नहीं पहुंच जाएंगी। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा है और शब्द ही एक सबसे एक अहम चीज मानी गई है। इसलिए उस यज्ञ में सप्त मातृकाओं का पूजन, जो ये वर्णमालाओं का पहले अक्षर जो है जिसमें लिए इनका पूजन, षोड़श मातृकाओं का पूजन, जितने स्वर हैं आ इत्यादि उनका पूजन, उसके साथ फिर पूजन होता है नवग्रहों का। नवग्रह क्या है कि ग्रह का मतलब होता है ग्रहस्थिति ग्रह, जिसकी दशा आती है, अंतर दशा आती है, और यदि वो एक अच्छी दशा है, अच्छे भावों की दशा है, अच्छा फल देगी। यदि बुरे भावों का मालिक ग्रह है, अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, वो बुरे फल को देगा। तो इसलिए ग्रहों को शांत करने के लिए, बुरे जो ग्रह हैं उनका दुष्प्रभाव शांत करने के लिए हम यज्ञ में पूजा करते हैं। और केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जिनके लिए सभी जगत के लिए कल जो यज्ञ हो रहा है, आप सबके लिए ये पूजा की जाती है कि आपके ग्रहों की शम, जो दुष्ट ग्रह हैं, अरिष्टकारक ग्रह हैं, उनका शमन हो। उसके बाद दश दिग्पाल हैं, अधिदेवता हैं, प्रत्येक देवता हैं, उन सबका पूजन होता है। इसके विषय में बतलाने के लिए समय अधिक होगा। उसके बाद विशेष रूप से हम क्या करते हैं, कलश का पूजन करते हैं। कलश के लिए कलश के मंत्र बहुत हैं, देवदान में संवाद मध्यम, तो मतलब सभी लीजिए भी जिस प्रकार अमृत कलश निकला था उसी कलश की हम पूजा करते हैं और उसमें सब प्रकार की नदी नदियों का हम ध्यान करते हैं और पूरे भारतवर्ष का गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, इस जल में आकर के इस प्रकार की सारी नदियां विराजमान हों। इसका मतलब क्या है कि हम भारतवर्ष की एकता का, गंगा कहीं है, यमुना कहीं है, गोदावरी कहीं है, सभी नदियों का अर्थात भारतवर्ष की अखंडता का हम ध्यान करते हैं, उसका हम पूजन करते हैं। उसके साथ साथ फिर कलश का पूजन करने के बाद हम जो मंडप है यज्ञ के, उस यज्ञ में वास्तु का पूजन करते हैं। आप प्रायः बहुत से लोग वास्तु से परिचित हैं, वास्तु यदि अव्यवस्थित हो तो वो परेशानी में देता है। वास्तु का यदि ठीक प्रकार से एक निधापन किया गया है, शिलान्यास ठीक प्रकार से हो, तभी एक आपके कार्य जो है वो ठीक प्रकार से आगे चलते हैं। और यदि वास्तु कहीं अव्यवस्थित रूप से किया गया हो तो उसका पूजन करना, वास्तु यंत्रों का पूजन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम 81 वास्तु जो हैं उनका मंडप में हम पूजन करते हैं कि किसी का भी वास्तु यदि किसी प्रकार का दूषित हो तो वो वास्तु जो है वो आपके ठीक हो। उसके बाद भगवती माँ के जो विकराल रूप हैं, सौम्य रूपों का हम आपको बता रहे हैं, और जो विकराल रूप हैं जिसको हम योगिनी कहते हैं, और उन योगिनियों का 64 योगिनी हैं, उनका पूजन करते हैं, वो शांत हों और उनके द्वारा होने वाली जो अरिष्ट हैं वो सारे के सारे दूर हों। उसके बाद जो जितनी जगह होती है उस जगह के क्षेत्रपाल होते हैं, मालिक होते हैं, उनका पूजन करते हैं, जो 49 हैं, और 49 क्षेत्रपालों का पूजन करके हम ये जिस स्थान पर भी आप लोग रहते हैं, हम क्षेत्रपाल से निवेदन करते हैं कि हम जो विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पर उस स्थान पर जो भी क्षेत्रपाल हैं वो उस स्थान की रक्षा करें। उसके बाद सर्वतो भद्रमंडल होता है, जो सब ओर से मनुष्य का कल्याण करने वाला है और मनुष्य के कल्याण को करता है, इसमें बहुत से देवता जो हैं उनका पूजन होता है। उसके बाद जो प्रधान देवता, हम इस समय तो जहाँ पर प्रधान देवता हमारी माँ भगवती जगत जननी वैष्णवी का हम पूजन करते हैं, लेकिन कहीं पर विष्णु का पूजन करते हैं, महाविष्णु यज्ञ में, अति विष्णु यज्ञ में, और महारुद्र यज्ञ में, अतिरुद्र यज्ञों में रुद्र भगवान का, शंकर भगवान का पूजन होता है। ये है एक यज्ञ का क्रम और यज्ञ की वास्तविकता और यज्ञ में संक्षिप्त रूप से इसका विवरण। बाकी उसमें वेदी होती है, वेदी में कितने खंभे, उन खंभों में कौन कौन से देवता होते हैं, इसकी बात को छोड़ दी, लेकिन प्रमुख रूप से मैंने जो आपसे कहा, और इसमें भी सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं प्रतिज्ञा। आप कोई भी काम घर में कर रहे हैं, उस कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, हाथ पर जल लेकर के, चावल जब फूल लेकर के आप प्रतिज्ञा कर लीजिए भी मैं अमुक गोत्र का फलाना व्यक्ति, फलाना देवी जो है वो इस काम की सिद्ध करने के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपके मंत्र में बड़ी प्रकार से वो एक सुख और समृद्धि आएगी और मंत्र में जागृति आएगी। प्रतिज्ञा के बिना कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए प्रतिज्ञा करना जो है वो आवश्यक है। लेकिन एक बात और है, यदि आपका भाव बहुत बढ़िया है तो मूर्खो बलती विष्णाय विज्ञो बलती विष्णवे तयोरपि समं पुण्यं भावग्राही जनार्दना, भाव आपके बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल हृदय से आप उस भगवान को, अपनी इष्ट देवता को चाह रहे हैं, तो हमारे ग्रामर में बनता है विष्णवे नमः विष्णवे नमः। लेकिन यदि आपका भाव जो है वो, यदि किसी एक का भाव
कोई व्यक्ति विष्णवे नमा इसके रूप को अच्छी तरह से नहीं जानता, विष्णाय नमा कहता है, तो वो कहता है भी तयोरपि समम पुण्यम। भाव यदि उसमें ठीक प्रकार से है, भावना उसकी ठीक है, तो वो पुण्य जो है उसको बराबर मिलता है। इसलिए मनुष्य भली प्रकार से यज्ञों से परिचित होकर के, और यज्ञ ही उद्भव का कारण है, यज्ञ ही उत्पत्ति का कारण है। हमारे तो यही कहा है कि अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भ। मैंने तीन चार बातें आपको बताई, सभी जगह पर उत्पत्ति का कारण, उद्भव का कारण और एक सृजन का कारण जो है वो यज्ञ को बतलाया गया है। इसलिए यज्ञ करे, यज्ञ होना चाहिए, लेकिन यज्ञ में किसी प्रकार की एक अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यज्ञ ठीक प्रकार से होना चाहिए, वहाँ के विद्वान ठीक प्रकार से होना चाहिए, यजमानों के भाव जो ठीक प्रकार से होना चाहिए, और जो करवाने वाले हैं वो भी हृदय से सच्चे मन से वो बात करवाना होना चाहिए। हमारे तो हमें तो ये आदेश है, हमारे जो राज्यपाल हैं, हमारे सत्यपाल मलिक जी, माननीय सत्यपाल मलिक जी, हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, श्राइन बोर्ड के जो ऑफिसर हैं, वे सभी ये चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड का जब कोई भी काम हो, यात्रा के लिए सुविधा हो, यात्रियों के लिए सुविधा हो, यज्ञ हो, कोई भी किसी प्रकार का कार्य हो, सबसे बढ़ करके हो, ताकि भगवती वैष्णवी जो है ये प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को एक भरपूर आशीर्वाद दे। मैं यज्ञ के विषय में संक्षिप्त रूप से आपसे कहा, आज आप दर्शन कर रहे हैं स्कंद माता का। स्कंद माता पांचवी माता है, और भगवती माँ के जो नौ रूप हैं उनमें पांचवा रूप जो है स्कंद माता का कहा जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय जी को कहते हैं, और कार्तिकेय जी के बहुत से नाम हैं, कार्तिकेय, महासेन, षड्जन्म, षडानन, पार्वती नंदन, स्कंद, सेनानी, अग्निभू, गुह, बाहुलेय, तारकजित, विशाखा, शिशिवाहन, इस प्रकार के अनेक नामों से उस कार्तिकेय को, स्कंद भगवान को पुकारा जाता है, और उन्हीं की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस बहुत बड़ा संग्राम था, बहुत बड़ा युद्ध था, उस युद्ध में ये कार्तिकेय स्कंद भगवान जो हैं ये सेनापति बने थे। सेनापति के ऊपर, घर के मुखिया के ऊपर, समाज के मुखिया के ऊपर, देश के मुखिया के ऊपर, और युद्ध का जो एक विशेष बात है वहाँ पर सेनापति के ऊपर बहुत बड़ा सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए इन्होंने उस युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई और देवता विजयी हुए थे। आज के दिन जो भक्तजन प्रथम नवरात्र से दिन प्रतिदिन आगे अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, वे आज विशुद्ध चक्र में भगवती का उनके मन की अवस्थिति रहती है, और विशुद्ध चक्र में रह कर करके नाना प्रकार के अच्छे जो संकेत हैं वो भली प्रकार से देखते हैं। आज के दिन जो साधक हैं, वो साधकों की जो चित्तवृत्ति है वो एक अच्छी सात्विकता की ओर जाती है, और ऐसा मालूम होता है कि जैसे मान लो भगवती जो है वो उनके पास आ रही है, भगवती के दर्शन जो है वो सान्निध्य, भगवती का सान्निध्य जो है वो उनको प्राप्त होता है, और भगवती के दर्शन से, भगवती की भक्ति से, भगवती की प्रेरणा से और इसकी उपासना से मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वो सब प्रकार की बातों को वो प्राप्त करता है। मैं अधिक नहीं कहता हुआ आपसे यही कहूँगा कि स्कंद माता के साथ पास जाकर के एक बात का विशेष जो आप प्रार्थना जरूर करें, इसके लिए ये हमारा सबका दायित्व बनता है, और भगवती माँ से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सभी प्रार्थना करें कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सेनानी हैं, हमारे जो एक युद्ध में लड़ने वाले हमारे सेना के जवान हैं, जो सेनापति हैं, वो सभी के सभी उनका उत्साह जो है बढ़े, उनका पराक्रम बढ़े, उनका बल बढ़े। और आप जानते हैं कि कितने कितने संकट में, कितनी परेशानी में, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों पर, दुर्गम स्थानों पर, बर्फ में और अधिक एक दुर्गम स्थानों पर वो हमारे सैनिक वहाँ पर जाते हैं, और देश की रक्षा के लिए वो देश की रक्षा करते हैं, हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, और वे किसके किस कारण, उन्हीं सैनिकों के कारण। और ये भगवती खास करके आज का दिन जो है उन सेनानियों के लिए हम बड़ी प्रकार से प्रार्थना करें कि भगवती हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं, हमारे जो सेनानी हैं, हमारे जो फोर्स हैं, हमारे जो भी किसी प्रकार की जो, चाहे वो पुलिस हो, सीआरपी हो, मिलिट्री के हो, हमारी लोकल पुलिस हो, जो भी देश की रक्षा करने में जुटे हुए हैं, भगवती उनको उत्साह दे, उनको पराक्रम दे, उनको बल दे और उनके कार्य को दिन प्रतिदिन अग्रसर करें। और हम सभी प्रार्थना ये करेंगे कि उन सेनानियों का,
बल जो है वो हर समय बढ़े, उनका पराक्रम बढ़े, उनमें उत्साह आए और कभी भी किसी प्रकार से भी हम जो शत्रु जो है वो हमसे जीत करके ना जाए, बल्कि हमारे सेनानी शत्रु पर हावी होकर के बप्रद। अब सबसे पहली बड़ी बात यह है कि शत्रुता किसी से करनी ही नहीं चाहिए, दुश्मनी किसी से करनी नहीं चाहिए। और यदि कोई आदमी दुश्मनी करने के लिए उतर आता है तो कई प्रकार के उसके दमन के उपाय हैं, उसको दमन किया जा सकता है, उसको शांत किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले प्रार्थना ये करनी चाहिए कि भगवती माँ सबको सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे और सबकी परस्पर मैत्री, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति है, किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति है, उसको भगवती सद्बुद्धि दे, उसको एक जो मनुष्य को चलने के लिए मनुष्य के मुताबिक जितने कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य दे, और हम सभी समाज में मिल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपने समाज के कार्य को आगे बढ़ाएं और किसी से हम द्वेष न करें। हम ये न सोचें भी किसी ने हमारे साथ युद्ध करना है और हमने उसके साथ लड़ाई करनी है। और इससे क्या होता है कि देश की जितनी उन्नति होती है वो उन्नति हो नहीं पाती। युद्ध के लिए कितना खर्च होता है, चाहे वो किसी शत्रु देश का हो चाहे अपना हो, इसलिए युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो कैसे हो सकता है, सबके दिमाग ठीक हों, सबके दिमागों में अच्छे भाव हों, सबके दिमाग में ये हो कि हम सभी, चाहे वो एक देश है चाहे वो दूसरा है चाहे तीसरा देश है, सभी हम मैत्रीपूर्वक हम रहना चाहते हैं। और मैत्रीपूर्वक यदि हम रहेंगे हमारी भी भलाई और दूसरे की भी भलाई है, हमारी उन्नति होगी उसकी भी उन्नति होगी। इसलिए हम सभी मिल करके हम आगे बढ़ें और किसी के साथ हम शत्रुता नहीं करें, हम किसी के साथ बैर विरोध ना करें, हम असंतुष्ट ना रहें, हम ईर्ष्या ना करें, हम घृणा ना करें। और इस प्रकार की बातों के आधार पर भगवती मां से आशीर्वाद लेकर के हम अपने जीवन को यदि चलाएंगे, भगवती वेष्टि भी अवश्य ही हम सबका, आप सबका, पूरे विश्व का कल्याण करेगी। मैं एक मंत्र बतलाने लगा हूँ, जो विद्या प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, संभवतः मैंने बतलाया हो कभी, लेकिन विद्या प्राप्ति के लिए एक मंत्र का जो जप जो है ये विद्यार्थियों के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, जहाँ चाहे वो विद्यार्थी जो पढ़ता व्यक्ति है चाहे वो 60 साल का भी होगा तब भी वो विद्यार्थी है। इसलिए वो विद्या को यदि प्राप्त करना चाहता है, सरस्वती का वरदान प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस प्रकार के मंत्र का जप करता रहे। मंत्र है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेत काते स्तुति स्तव्यपरा परोक्ति। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, हे माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, जितनी भी संसार में विद्याएं हैं चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो वो सारे आपके भेद हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, मातृशक्ति जितनी भी है वो सारे के सारे आपका रूप है। तो ये क्या पूर्त मंबई तक, तूने ही सारे संसार को व्याप्त करके रखा हुआ, आप ही सारे संसार में व्याप्त है। काते स्तुति सब परापरोक्ति, इससे ज्यादा हम आपकी और स्तुति क्या कर सकते हैं। अब सभी प्रकार की जितनी भी मातृशक्ति स्त्रियां जो हैं, माँ का रूप है, अब माँ का रूप उस स्त्रीत्व शक्ति का, उस मातृशक्ति का, उसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए। मैं प्रतिदिन बार बार ये कहता हूँ कि स्त्रियों के जो सम्मान है, उनके जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा हो करके और स्त्री को एक शक्ति रूप मान कर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों के अधिकार की रक्षा होती है, उनका एक सम्मान होता है, वो वास्तव में देश जो है वो आगे बढ़ता है। यत्र नार्यः सपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर सभी देवता लोग जो है वो निवास करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आप सबसे मैं एक विशेष प्रकार से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्कंद माता से आप प्रार्थना करेंगे। पुजारी जी अभी आरती करने वाले हैं, उस आरती का आनंद लेंगे। अपनी आंखें बंद करके त्रिदेवी नेत्र से भगवती वेष्टि का ध्यान करते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और सेनानी जितनी भी हैं और जितने भी हमारी फौज है, सेनानी हैं, उन सब के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनके पराक्रम वर्धन के लिए और उनके हौसले फुसाई के लिए आप प्रार्थना करेंगे और भगवती वेष्टि भी आपकी प्रार्थना को सुनती हुई उन सब का कल्याण करेगी, उनको मान सम्मान देगी। मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद देता हूं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूतिकरणे दानेक निष्ठो भव,
तेयस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर्भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। अभी आरती करने जा रहे हैं पुजारी जी, आरती का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। गुरु जी को सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।